एवरीवन, तो आज शुरू हो रहा है एक नया व्लॉग और ये जो व्लॉग है ये मैं कसम से बोलती हूँ और 100% गारंटी के साथ बोलती हूँ आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा टफ यानी कि आप बोल सकते हैं कि एक चैलेंज बन जाएगा। तो मैं इतना सारा मेकअप के साथ इसलिए हूँ क्योंकि जस्ट अभी भी मेरा सर गए हैं या सिर्फ मेरा टीचर गए हैं क्योंकि मेरा मेकअप क्लास चल रहा था। वेडनेसडे एंड थर्सडे मेरा क्लास रहता है 9 बजे से 11 बजे तक। तो ये सारे सामान मैं जल्दी से झटपट से अरेंज कर लूँ और उसके बाद मैं आपके सामने आती हूँ। और मैंने आज के वीडियो के लिए क्या बनाया है हमारे छत पे वो स्पेशल चीज़ आपको दिखाती हूँ। So guys, ये है मेरा सरप्राइज टेंट, अगर टेंट का मेंबर। So guys, ये टेंट कल रात को मैंने बैठ के बनाई है। किस तरह से बनाई है ये शोमाली अधिकारी चैनल में मैंने उसका एक वीडियो पोस्ट किया था। बहुत मेहनत लगा ये बनाते हुए, पर सारे घर के जो सामान है उसके साथ ही बना दिया है। और देखो ये बिल्कुल क्वीन साइज बेड की तरह, सॉरी बिल्कुल प्रिंसेस बेड की तरह दिख रहा है ये। इसमें आज पूरे दिन रहने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और रात को अब तो देखेंगे, ऑब्वियसली 24 घंटे का वीडियो होगा पर आधे घंटे के अंदर पूरा 24 घंटा मैं आपको दिखा दूँगी। मेन चीज़ ये है कि रात को इसका लुक देखना, बहुत अच्छा, इतना अच्छा लुक आया है कि मतलब ऐसा लग रहा था कल रात को कि यहाँ पर ही ठहर जाओ। मिथु तो बस यहाँ पर ही पड़े थे, उसके बाद इनको खींचते हुए बेडरूम में लेके गई। मतलब तुम बाहुबली के फैमिली से हो क्या? लेडी बाहुबली। और हमारे जो पड़ोसी है वो पड़ोसी से अगर कुछ जरूरत पड़े तो मांग लो कि जो भी मुझे हेल्प चाहिए होगा वो लोग कर देंगे। सुंदर पड़ोसन होने से सब कोई हेल्प करता है। ये वाला जो पड़ोसी है ये बस सुंदर पड़ोसन को ही हेल्प करते हैं। तुम्हारा छोटे बेटा दोनों रहोगे ना? दोनों ही रहूंगा, दोनों रहेंगे। अजय ऑस्कर, इफ यू कम हियर नो क्लोजिंग द गेट, इट्स योर टाइम व्हेदर यू वांट टू कम और नॉट। बॉर्डर क्लोज हो रहा है। ऑस्कर बॉर्डर क्लोज हो रहा है। मैं और ऑस्कर यहाँ पे आज रहने वाले हैं। ये ऑस्कर को यहाँ पे रखना है और मैं टू यू। ये वो सब तो ठीक है, देखो जैसे मैं बैठ के देख रहा हूँ पड़ोसी क्या कर रही है, तुम झाड़ू दे रही हो, ऐसे सच में अगर तुम्हारे जगह कोई दूसरा पड़ोसी होता तो तुम मुझे बैठ के ऐसे देखने देते? बहुत शौक है ना इस आदमी को, बहुत शौक चढ़ा है पड़ोसनों को देखने की। जो बादल गरजता है ना वो बरसता नहीं है। नहीं नहीं सच में, जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है, जो बरसता है वो गरजता नहीं है। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है सीरियसली। कल जब ये मैं बनाई थी ना, कल से लेके अभी तक के मतलब ये वीडियो शुरू होने से पहले तक मिथुन, आर्यन और ऑस्कर ये तीनों मिलके इस जगह को बिल्कुल रिजर्व करके रखा। तो यहाँ पे इस ट्रे में मैंने रखा है मेरे कुछ जरूरत के सामान, जैसे कि ये मेरा डे सीरम, नाइट सीरम, सनस्क्रीन, ओजिवा जो कि मैं मॉर्निंग को लेती हूँ पर अभी तक नहीं लिया तो वो मैं अभी कुछ देर बाद लूँगी। और ये रहा मेरा वाइप। बाय द वे गाइस, मैं एक चीज़ आपको दिखाना भूल गई थी, टाइम 12:37 पर काफ़ी टाइम पहले मैंने ये स्टार्ट किया था, तब मैंने भी घड़ी नहीं देखा कि कितना टाइम हुआ है। और इतना क्लाउडी वेदर है ना कि आपको लगेगा कि अभी टाइम 8:30-9 बजे सुबह का, पर अभी 12:30 बज चुकी है। 26 नवंबर 12:30 बजे मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट किया। तो अभी मैं ओजिवा पी रही हूँ क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है, ब्रेकफास्ट वहाँ पे किया, कल सुबह ब्रेकफास्ट में यहाँ पे करूँगी। सो गाइज, ये जो ड्रिंक मैं ओजिवा का ले रही हूँ ये है सुपर फूड प्लांट प्रोटीन। आप देख सकते हो जैसे कि प्रोटीन हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है और ये ड्रिंक मैं और मिथुन हम बहुत दिनों से ले रहे हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो और भी कई सारे प्रोटीन सोर्स है, और जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए ये प्रोटीन सोर्स बन सकता है। प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और प्रोटीन के डेफिशिएंसी की वजह से हमारे जॉइंट पेन होता है और कई तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं शरीर में। तो ये हमारे शरीर को जैसे कि एनर्जी देते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं। कम खाने पीने के साथ अगर आप अपना बॉडी बनाना चाहते हो, हेल्दी रहना चाहते हो तो ये प्रोटीन ज़रूर लेना। प्रोटीन के सोर्स वैसे बहुत सारे होते हैं, ये कम्प्लीटली नेचुरल है और इसे अगर आप चाहे तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ भी ले सकते हैं या तो ब्रेकफास्ट के बाद आप मिड मॉर्निंग में भी ले सकते हैं। तो इसे मैं जैसे कि अभी मिड मॉर्निंग में ले रही हूँ,
मतलब अभी मॉर्निंग नहीं है, अभी 12:30 बज चुके हैं आप जैसे कि पता है, तो थोड़ा सा आज लेट हो गया एक्चुअली। सारी चीज़ें अरेंज करके यहाँ पे आना, सब कुछ वीडियो रेडी करना, उससे पहले एक वीडियो एडिट करना, ये सब करती हुई लेट हो गया। तो मैंने सोचा कि उसके बाद मैं जो जो सारी चीज़ें करती हूँ वो मैं आपसे शेयर करूँ। जैसे कि इसके बाद मैं अपना मेकअप रिमूव करूँगी, वो भी मैं यहाँ पर बैठ के करूँगी। इसका मज़ा ही कुछ अलग है। हर एक चीज़ हम घर के अंदर करते हैं, आज हर एक चीज़ घर के बाहर करेंगे। और आसपास के बालकनी से भी कोई मुझे झुक के देख सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो बालकनी हूँ ना, आसपास के बालकनी पूरा साफ नज़र आता है। और इस लॉकडाउन में ना हम सभी थोड़ा बहुत मोटा हो गया है, मतलब घर बैठे अच्छे अच्छे खाना बनाना, खाना खाना। तो आप जैसे कि देख रहे हैं एवरीडे मेरे ब्लॉग में कि मैं वेट लॉस के लिए क्या कुछ नहीं कर रही हूँ, एक्सरसाइज वगैरह, डाइट वगैरह वो सब कर रही हूँ। तो डाइट में इसे मैंने इंक्लूड किया है, और इसे आप भी कर लीजिए, ताकि प्रोटीन जब आपके शरीर में रहता है तो आपको भूख कम लगता है। और भूख इसलिए नहीं लगता क्योंकि आपके शरीर में जो कि फूड का, न्यूट्रिशन का जो कमियाँ है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स की कमियाँ ये दूर कर देते हैं, तो इसलिए हमें भूख कम लगता है। जबकि आप खाना ही कम खाएंगे तो ऑब्वियसली ना, तो आपका वेट लॉस बहुत जल्दी होगा। तो मैंने तो एक चैलेंज लिया है कि 31 के जो पार्टी होगा, वो पार्टी जो भी हो, ऐसा कोई प्लानिंग अभी तक मेरा नहीं है, पर 31 का जो नाइट होगा उस टाइम में मैं एक अच्छा सा ड्रेस पहनूंगी, तो ये बहुत अच्छा मेरा फिगर लगना चाहिए। तो ऐसा कुछ प्लानिंग में मैं हूँ, तो इसलिए ये मुझे बहुत हेल्प कर रहा है। 3 साल के बच्चे से लेके हम, मतलब हमारे जो नाना नानी दादा दादी है, उनकी उम्र तक भी लोग इसे ले सकते हैं। तो सेम तरीके से ब्रेकफास्ट में या तो ब्रेकफास्ट के बाद आप ले सकते हैं। इसमें है पी प्रोटीन आइसोलेट, ब्राउन राइस प्रोटीन आइसोलेट, मग बीन आइसोलेट, विच बूस्ट एनर्जी एंड मेटाबोलिज्म। इसमें है कई सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स जैसे कि तुलसी, आंवला, गुरुची एक्सेट्रा, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे एनर्जी इंप्रूव करते हैं और डाइजेशन और इम्यूनिटी में काम आते हैं। इसमें कई सारे मल्टीविटामिन्स है जैसे कि बायोटिन, जिंक, आयरन, विटामिन ए, डी, सी, बी, जो कि बेटर स्किन और हेयर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा भी ये है सोया फ्री, ग्लूटेन फ्री, नो जीएमओ, लैक्टोज फ्री, नो ट्रांस फैट्स एंड नो प्रिजर्वेटिव। सो गाइस, इसका जो लिंक है वो मैं नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो अगर आपको ये चाहिए तो वहां पे क्लिक करके आप इसे परचेस कर सकते हैं। मासी, यहाँ पे मैं और मासी हम दोनों मिलके ये जो कैशू है इसे थोड़ा सा पील ऑफ करेंगे। यहाँ पे मैं अभी अपना लंच बना रही हूँ। लंच है प्रॉन बिरयानी या है प्रॉन पुलाव या बिरयानी, आप जो भी बोले। घर में आज प्रॉन बन रहा है, तो वन में से मैंने 4 ले ली है, और उसके साथ राइस, ये दोनों मिला के आज मैं बना लूँगी प्रॉन बिरयानी। तो पड़ोसियों के साथ बातें करते हुए मैं अपना खाना बना लेती हूँ। देखिए कैसा परोसी है, फिश हमसे लिया और बना खुद रही है। नहीं, हमारा परोसी ऐसी है, जो हम जो बनाते हैं वो ही बनाती है। हमसे लेके वो टेस्टी वाला खुद के लिए बनाती है। कौन पुलाव कैसा बना ये मैं क्या बोलूं, परोसी के साथ झगड़ा करने गई थी और यहाँ पे जल गया खाना।
14 अभी तक सोई हुई थी, अब किस तरह से टाइम निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। पर यहाँ पे मैं सीधा होकर सोना बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, जबकि ठंड लग रही थी तो ये मंगवा लिया। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मेरा नाइट सूट कोई दे सकता है? स्टूडियो रूम के कवर्ड में है ब्लैक वन। कब से तुम लोग देख रही होगे कटोरी में ग्लास में लेके क्या क्या खा रहे हो पी रहे हो, तो कुछ बचा है क्या? क्या चाहिए, आइसक्रीम खाओगे? कुछ भी, आइसक्रीम नहीं खाना। ओ माय गॉड, आइसक्रीम नहीं खाना, कोई ड्रिंक? चॉकलेट खाओगे? चॉकलेट नहीं खाना, चॉकलेट तो खा चुकी हूँ, मेरा जो हिस्से का था वो मैं खा चुकी हूँ। किटकैट हम लाए थे हर किसी के नाम पे एक एक, तो वो मैं अपने वाला खा चुकी हूँ। वो ड्रिंक है, ड्रिंक जो ड्रिंक लाए थे योगी, हाँ बॉर्डर के इस पर लोग आ सकते हैं पर बॉर्डर के उस पर मैं नहीं जा सकती। रेडलर नॉन अल्कोहलिक। हाँ मुझे तो ये लेगर बियर की तरह लग रहा है। अभी बजे हैं शाम के 4:45, तो अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना स्टार्ट हो चुका है और पूरा दिन इतना क्लाउडी था ना कि आपको मतलब देख के पता नहीं चलेगा। अभी लग रहा है क्या जैसे अभी 6:30 बज चुके हैं। थोड़ा सा चाय का पत्ती मिलेगा और चीनी, थोड़ा सा अगर हो तो अच्छा होता। दूध वो है आपके फ्रिज में? सब है। तो तीनों मिला के चाय बना के पिला दो, वो तीनों मिला के फिर भेज दीजिए ना। ये सारी चीजें एक साथ लाना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बस खाने पीने का चीजें लेके चली आई। और पूरे दिन में थोड़ा सा स्नैक्स तक मुझे नहीं दिया ये लोग। घर से निकली इसका मतलब बला टली। ये रहे हमारा बारबेक्यू, तो आज बनने वाला है बारबेक्यू चिकन का, और आज का डिनर जो है वो मस्त होने वाला है। मिथुन ने आज बिल्कुल सही काम किया है, ये जो सारे कैंडल्स है ना वो बोल रहे थे कि तुम तो बोर हो जाओगे, तो कैंडल मुझे बहुत पसंद है और मिथुन ये बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि मेरा बोरनेस दूर करने के लिए कैंडल सबसे अच्छी चीज है। यहाँ पे रेडी है हमारा बारबेक्यू और साथ में चिकन, मैरिनेटेड चिकन जो कि माँ से मैरिनेट करके गए थे और मेरा ये प्लानिंग था, और जब मैं खाऊंगी तो ऑब्वियसली ये लोग भी खाएंगे, और जब मैं अपने लिए बना रही तो ऑब्वियसली ये बेचारे जो पड़ोसिया है खाना नहीं बना सकते। ये जो खाना है ना ये मेरा हजम नहीं होगा, सारे लोग यहाँ पे इस तरह से खड़े हैं कुकिंग करने से लेके इस तरह से खड़े हैं, नहीं दिखाऊंगी तो यकीन नहीं करोगे। देखो सोफा के यहाँ पे खड़े होके मेरी तरफ नहीं, बिल्कुल चिकन की तरफ इनका नजर है। चलो हम लोग अगर नहीं खाते तुम अकेले वो खा लोगी? हाँ वो चार हड्डियों में खा लूंगी। हाँ हाँ टीवी देख सकती हूँ, यहाँ पे चला दो मैं यहाँ से देखूंगी। टीवी का भी कॉस्ट है दो लेग पीस। अच्छा टीवी का सुनिए, टीवी का कॉस्ट है, अगर मैं यहाँ से टीवी देखूंगी तो इनको दो लेग पीस देना पड़ेगा, ये टीवी का कॉस्ट है। इसका जो खुशबू है ना वो माइंड ब्लोइंग आया है, आसपास के पड़ोसी अभी ना चले आए, मुर्गा भी जल रहा है पड़ोसी अभी जल रहा है। अभी तक ये लोग खड़े थे, अभी देखो बैठ गए, तो जो एरोमा है एरोमा से और एक आ गया, ये तो घर के दहलीज पार कर गया। कितने बार मिथुन रोकने की कोशिश की, पड़ोसन के पास मत जा, उसका मत जा, तेरे लिए ये गेट हमेशा के लिए फिर बंद हो जाएगा, फिर भी आ गया। चिकन तो मिल जाएगा ना। पड़ोसन के पास जाने से अगर दो टाइम का दो लेग पीस मिल जाता तो इसमें बुरा ही क्या है, मटन है मेरे पास। उससे भी पहले आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देते हैं। वाओ इतना अच्छा बना के कोई पहले बुक करो तो परोस दिया जाए उसके बाद, वरना वही हजम वाला बात वो सच हो जाएगा।
हमें बस दो चाहिए, हमें बस दो चाहिए, हमें बस दो चाहिए, नहीं तीन नहीं चाहिए, हमें बस दो चाहिए। आर्यन आप दो खा, आप दो खा। अरे हजम नहीं होगा, मैं डाइट पे हूँ, मैं डाइट पे हूँ। डिनर, तो डिनर के बाद अभी एक अच्छा सा स्लीप लेना है। अगर जागती हूँ मतलब ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए आप पे कुछ ओढ़ने वाला ले लिया है, पर अगर रात को मैं जागती हूँ तो आपके साथ बात होगा, वरना नेक्स्ट डे सुबह होगा, पर पता नहीं अभी। मिठुन ये कैमरा तो ऑफ कर दिया, अभी तो ढुकी अच्छी नहीं था, आबार इसे ये करते हमें। गला इतना ज्यादा सूख रहा था, सजुर तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी, तो ये तो कंबल भी नहीं है, ये बस एक बेड कवर है, फिर भी मुझे गर्म लग रही है, और ये जो नाइट सूट पहनी है ना ये स्वेटर से कम नहीं। 3:30 बजे है, तो मिलते हैं नेक्स्ट जब जगूंगी उसके बाद मिलते हैं। उठा नाम नहीं लगी। हेलो हेलो, तुम्हारा छोटा बेटा भी तुम्हारे साथ ही है, हम लोगों के पास नहीं रहता ना। ममोश बॉय, ममोश बॉय। गुड मॉर्निंग, कल पूरी जोखना रोज मोबाइल में चार्ज नहीं है, कितने लेट तक मैंने यूट्यूब वीडियो देख रही थी, और यहाँ पे वो भी नहीं देख पाती क्योंकि इंटरनेट का जो कनेक्शन है ना वो यहाँ तक नहीं आता। बिना कोई औरत का जिंदगी चैलेंजिंग होता है, शादी से पहले मम्मी देख लेती है, शादी के बाद बीवी। और किस तरह से खा रहे थे कभी देखा है, जैसे कि दुनिया के आखिरी चिकन हो, और ऐसे सोना भी मत। ओ बेबी डॉल ना सोने जी। ए ए ए तू मम्मर का जैसे थकिस कर रहा है, बाद में। चाय की पत्ती, चीनी और दूध मिला के बॉईल करके थोड़ा सा भेज देना। बार बार चाय मांगने में मुझे शर्म आती है, और किस किस तरह से समझाओ कि मुझे थोड़ा सा चाय देना, जान बूझ के वहाँ पे दो कपड़े के बैठा है, मुझे नहीं देना, ऊपर ही दे सकती। अच्छा, यहाँ पे बैठ के मैं बातें करूंगी, वहाँ पे बैठ के तुम सीट लेते हुए बातें करना, और ठंड में पारे तुम ही और कोई पारे हम ही। 11:20, 27th November, और बस एक घंटे उठा भी लेट, और वैसे अभी देखे पता नहीं चला कि 11:30 बज चुके हैं, अभी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह है, 8:30-9 बजे करीब लग रहा है ना। मिचुन क्या करूँ अभी, कब टाइम होगा, मैं ऐसे मतलब मोबाइल को लेकर, और कोई एक्टिविटी नहीं, मोबाइल को लेके जस्ट मैं यहाँ पे सोई हुई थी, जब मेरा नींद टूटा ना
और मिथुन अपना काम कर रहे हैं, मासी अपना काम कर रहे हैं, और मेरा आज और दिन नहीं निकल रहा था। तो इस तरह से मैं देख रही थी क्या कब टाइम होगा। तो अभी टाइम हो चुका है बहुत पहले और मैं सो गई थी। तो अभी चलिए मेरा ये जो वीडियो है ये भी एंड होता है। मैं अभी जब जाऊँगी घर के अंदर, जब भी मुझे वॉशरूम यूज़ करना था तब मैं घर के अंदर गई थी, इसके अलावा और नहीं गई थी, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली ना। तो जो भी हो, पूरा वीडियो जो था बहुत, मतलब रात को मैंने बहुत इन्जॉय की, पूरी रात, मतलब शाम के बाद से जो इन्जॉय की। पर जब नींद नहीं आ रहा है ना तब भी बहुत बोरिंग लगता है, तो इसलिए रात के टाइम में सोने के टाइम में थोड़ा सा ये था, चलो जब ठीक है। तो कभी कभी होता है कि डेली रूटीन से कुछ अलग बहुत अच्छा लगता है, ये एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। तो इस तरह के और भी कई सारे वीडियोज़ लेके मैं आपके सामने आऊँगी। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो फिर आपसे मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, नया चैलेंज के साथ। तो तब तक के लिए बाय।